কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখা মিলল মাঙ্কি ম্যানের। না, অ্যাভেঞ্জার্সের কোনো নতুন চরিত্র নয়, ইনি খাঁটি ভারতীয়। ভাবছেন তো ব্যাপারটা কি? আসুন দেখে নেওয়া যাক, কথা বলা যাক খোদ মাঙ্কি ম্যানের সঙ্গে। मैं 13 साल से काम करता हूँ। कहाँ से ये आइडिया आया? ये आइडिया, मैं फ्रूट का ठेला चला रहा था तो सेठ ने मेरे को बोला तू बंदर बन जा, क्योंकि 4-5 दिन मैंने छुट्टी रखी तो सेठ ने बोला तू बंदर बन जा, तब से मैं बंदर बन गया। मंकी मैन एक बहुत ही साधारण सा, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इनोसेंट इंसान है, जिसकी कल फ्लाइट थी और मुझे आज लेट हो गई। 15 घंटे में पहुंचा। मैंने कहा भाई फ्लाइट लेट कैसे हो गई, साइक्लोन हो रही था। कहता है मेरे को रीज़न पता है। मैंने कहा वो पायलट ने रात को दारू पिया होगा, लेट आया वो, इसके लिए फ्लाइट 15 घंटा लेट है, मुझे बोल रहा है ये। तो वो ही इज़ वेरी इनोसेंट, ही थिंक्स पायलट वॉज ड्रंक एंड ही केम लेट, सो फ्लाइट इज लेट। तो आपको कहाँ मिला मंकी मैन? घूमता हुआ मिला ये। मैं बॉम्बे से एक दिन बॉम्बे में अपने घर जा रहा था अंधेरी में, तो रोड पे ये जा रहा था और 5-6 कुत्ते, 10-12 कुत्ते इसके पीछे भोंक रहे हैं, भाग रहे हैं और ये उनको हू कर रहा है। सो मैंने कहा ये क्या चीज़ है ये। मैंने गाड़ी रोकी, पीछे ली गाड़ी, मैंने इसको बोला इधर आओ। तो ये डर गया पहले मेरे को देख के, कौन आदमी है। तो फिर मैंने इससे बात की, मैंने क्या हुआ, बोला मेरे को किसी ने प्रैंक किया है, मेरे को बॉम्बे बुला लिया शो के लिए, मैं पूरा रेडी हुआ और कोई है ही नहीं यहाँ पे। अब मेरी सुबह 6 बजे की रिटर्न ट्रेन मैंने कराई है, वो जो नॉर्मल रिजर्वेशन भी नहीं होता है, तो 5-6 घंटे थे, पुलिस वाले ने मुझे स्टेशन से भगा दिया, क्या करूँ मैं, तो रोड पर घूम रहा हूँ मैं। मैंने कहा चलो मेरे घर, मैं उसको घर लेके गया एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। देन ही वेंट, सुबह चला गया वो अपने गुजरात, फिर मैंने लिखना चालू किया। आई रोट 3-4 ड्राफ्ट्स, बट हर बार उससे मिलके वो चेंज हो जाता है ड्राफ्ट, कि यार ये तो नहीं ये होना चाहिए, ये तो नहीं ये होना चाहिए। मैं अपना कोई उसमें सिनेमैटिक लिबर्टी लेके, बिकॉज इट्स नॉट अ फीचर फिल्म दैट आई डू अ सिनेमैटिक, आई जस्ट वॉन्टेड टू शो वॉट ही इज, फ्रॉम हिज कॉमेडी कैरेक्टर टू हिज लोनलीनेस, पेरेंट्स के साथ अकेलापन, और वो सारा दिखा। मंकी मैन क्यों बने? ये कोई सुपर हीरो है या कुछ और बात? नहीं, है सुपर हीरो नहीं है वो, बहुत गरीब फैमिली से है ये। इनके फादर की यंग एज में डेथ हो गई थी जब फादर बहुत छोटे थे, इनके मदर ने रीमैरी कर लिया और इनको ये सब्जी बेचने के लिए इनको भावनगर चले गए, जूनागढ़ भावनगर से। तो इनको किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता था, बहुत पतला दुबला सा था ये कुछ काम करने में। रात को एक वहाँ बाबा जी हैं जो मैंने डॉक्यूमेंट्री में दिखाए, उनके आश्रम में जाके सो जाता था और बाबा जी वॉज वेरी गुड टू हिम, बेटा सो जा, वहाँ मंकीज थे, ये उनको देखता था और इसको बड़ा अच्छा लगता था कि ये क्या है, एंड ही स्टार्टेड डूइंग दिस। फिर वो बाबा जी बोले तू जो करता है ना तू यही कर, तेरे को इसमें खुशी मिलती है, ये दुखी रहता था, एंड दैट्स हाउ इट डिड। और आज इसके 4-4.5 लाख ओरिजिनल फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, आप देखिए इसका इंस्टाग्राम पे, इस पर BBC ने कवर किया इसको अभी, तो मतलब सब लोग कर रहे हैं। तो ये, और इसके माँ बाप इसको पसंद नहीं करते, तो इसकी बिगेस्ट ड्रीम थी जिंदगी की मेरे माँ बाप मुझे एक्सेप्ट करें जब हम बना रहे थे ये, अब उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, गले भी लगा लिया, क्या मुझे गले लगा ले मेरी माँ तो मुझे मजा आ जाएगा, बट ऐसे ही जो मैं हूँ, बट नाउ दे आर वेरी हैप्पी कि ये डॉक्यूमेंट्री में आ रहा है, ये आ रहा है, सो हो गया वो हिज ड्रीम लाइक। तो आपका जो डॉक्यूमेंट्री है वो किस लैंग्वेज में है? गुजराती। अच्छा, गुजराती। तो वो दिखा जा रहा है यहाँ पर? हाँ, कल 2 बजे है। कल 2 बजे? ये कंपटीशन में है? हाँ। तो कैसा लग रहा है कलकत्ता आके? बहुत सुंदर कलकत्ता लगता है। पहली बार आपको दिखाया जा रहा है पर्दे पे, ये कैसा फीलिंग है? सबको अच्छा लगे और यही दुआ करें सबके दूसरा पार्ट जल्दी आए। ছবি হোক বা ছায়া ছবি, তা আসলে জীবনের গূঢ়তর সত্যের কথা বলে। মাঙ্কি ম্যান কিন্তু কোনো বানানো চলচ্চিত্র নয়, তা একটা তথ্যচিত্র, একজন সত্যি মানুষের সত্যি কাহিনী, যার দেখা মিলবে এবার কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে। এমনই অনেক খবরের জন্য চোখ রাখুন সংবাদ প্রতিদিন .in-এ। ক্যামেরায় প্রতীন কুণ্ডুর সঙ্গে আমি বিশ্বদীপ্তি।